नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के थाना रामा मंडी की पुलिस ने दो नशा तस्करों को किया काबू। 150 ग्राम हेरोइन और 1050 नशीली गोलियों और दो अवैध पिस्तौल की बरामद। संगरूर के लहरा गग्गा की खाई रोड पर एक पेट्रोल पंप पर दो नकाबपोश लुटेरों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। कुल्हाड़ी से हमला कर 12,000 की नकदी लूट हुए फरार। जालंधर के रामनगर फाटक के नजदीक बाइक सवार दो लुटेरों ने महिला की चेन जब्ती। लोगों ने पकड़कर जमकर की धुनाई। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर शहर में नशे की हो रही स्मगलिंग और इसके नेक्सस को तोड़ने के लिए चलाई गई विशेष मुहिम के तहत थाना रामा मंडी की पुलिस ने दो आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीसीपी हरविंदर सिंह विर्क ने बताया कि थाना रामा मंडी के प्रभारी राजेश कुमार के दिशा निर्देशों पर ASI सुखजिंदर कुमार पुलिस पार्टी सहित गश्त और चेकिंग के दौरान लम्मा पिंड के नजदीक मौजूद थी। इस दौरान उन्हें सूचना मिली कि दो लोग जो कि नशीली गोलियां और नशीला पाउडर बेचने के आदि हैं, वे सूर्य इनक्लेव पुल के पास नशा बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर ASI सुखजिंदर सिंह ने पुलिस पार्टी सहित सूर्य इनक्लेव पुल के पास से दो नौजवानों को काबू किया, जिनकी पहचान संजू निवासी झांसावाली गली रामा मंडी जालंधर और हरविंदर सिंह उर्फ मोनू निवासी बाबा बुड्ढा जी नगर जालंधर के तौर पर हुई है, जिनके पास से पुलिस ने 150 ग्राम हेरोइन और 1050 नशीली गोलियों और दो अवैध पिस्तौल बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸੋਨੂ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਬਾਂਸਾ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 24 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ NDPS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੋ ਥਾਣਾ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਥਾਣਾ ਪਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ 1015 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਹੈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 213 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਡਰ NDPS ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਦੌਰਾਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਫਾ 27 ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਡੰਗਾਈ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ DSP ACP ਸੈਂਟਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਗਾਈ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ UP ਸ਼ਾਮਲੀ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਫੀਆ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਸਟਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। पंजाब में लूट की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसका ताज़ा मामला संगरूर के लहरा गग्गा के खाई रोड पर एक पेट्रोल पंप में सामने आया है, जहां दोपहर 1 बजे के करीब मोटरसाइकिल सवार दो नकाबपोश युवकों ने पहले पेट्रोल पंप में से 70 रुपये का पेट्रोल डलवाया और पैसे मांगने पर अपने पास रखी कुल्हाड़ी से हमला कर पेट्रोल पंप के कर्मचारी से पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। वे ये सारी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। पंप मालिक ओम प्रकाश ने बताया कि बैग में 10,000 से 12,000 रुपये थे, तो वहीं इस हमले में उनके यहाँ काम करने वाला एक लड़का भी घायल हुआ। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने कहा कि CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, जल्द ही लुटेरों को काबू कर लिया जाएगा। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। ਕਿਹੜੇ ਪੰਪ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾ ਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੰਪ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਪੰਪ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ, 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੁਹਾੜੀ ਕੱਢ ਲਈ
ਗਾੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਨਾਲੇ ਬਾਈਕ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਗ 'ਚ? ਬੈਗ 'ਚ 10 10 ਹਜ਼ਾਰ 10 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੂਲ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਐਂ ਆਏ ਸੀ? ਮੂਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਰਨਾ ਸੀ ਪਤਾ? ਪਰਨਾ ਖੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਜਤਿੰਦਰਾ ਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਈ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੇਲਸਮੈਨ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਆਪਣੇ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਏ ਜੀ, ਮੂਲ ਵੇਟਾ ਆਇਆ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ, ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ, ਬੈਗ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। जालंधर के रामनगर फाटक के निकट देर शाम एक्टिवा सवार महिला के गले से बाइक सवार लुटेरे सोने की चेन झपटकर फरार हो गए। हालांकि फाटक बंद होने के कारण लुटेरे रामनगर की गलियों में घूमते रहे, तो वहीं महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग जमा हो गए और दोनों लुटेरों को पकड़कर उनकी जमकर छितर परेड की, जिसके बाद दोनों को थाना 1 की पुलिस के हवाले कर दिया गया। पकड़े गए लुटेरों की पहचान शेखर निवासी रेलवे कॉलोनी फिरोजपुर तथा अमर निवासी फिरोजपुर के तौर पर हुई है। वहीं पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन राजवीर की रिपोर्ट। मेरा भाई चैनी खोती, मेरे भाई मेरी वाइफ चैनी खोती, रामनगर खजूर वाली गली है पर रामनगर फाटक टर्न करते सारी उधर नहीं फाटक बंद सी, रामनगर का फाटक बंद सी, रस्ता नहीं मिलया। ये महल चल रामनगर च, रामनगर सारा मेरा वासी है, मेरा अपना वे इन्होंने नहीं पता कितने दौड़ना, इन्होंने नहीं किया। तो मैं अपनी वाइफ भी लाता डॉक्टर पांडे की गली चू, डॉक्टर पांडे की गली चलाता, मैं क्या चौधरी फल मैं ऊपर उपरी चक्किया घूम के ना मैं अपनी ड्यूटी तो आनी पी हाँ, अभी बीबी राणी की जगह पार की, दो जने मोटरसाइकिल से आए ने पिछू मेरे गले को हाथ पाया, ये चैनी खिंच के लै गए ने, अभी उतो इन्होंने 2-3 आवाजा मारी अगर रामनगर वाला फाटक बंद ही है पिछली गली नू, बाद में सू पता लगा किधर किधर गए ने, ये आके इतने फटे गए। तो थाना समान बना नहीं होगा? नहीं समान बना नहीं करूंगा, कुछ नहीं मिलेगा सारे ने पता। अमृतसर के सुल्तान विंड रोड पर चुंगी वाले बाजार में एक मोबाइल की दुकान पर सरेआम गुंडागर्दी देखने को मिली। इस दौरान हमलावरों ने दुकान के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की। इस संबंध में जानकारी देते हुए दुकान के मालिक कुलवीर सिंह ने बताया कि उनके पड़ोसी की बहन उनकी दुकान पर मोबाइल में पैसे डलवाने के लिए आई थी, उसने उसे पूरे पैसे लाने को कहा, उसने कहा कि उसने उधार देना बंद कर दिया है, जिसके बाद उक्त लड़की की माता भाई और उसके साथ एक और लड़का दुकान में आया और आते ही गुंडागर्दी शुरू कर दी और दुकान के अंदर पड़े सामान की तोड़फोड़ की। इस दौरान उसे धमकियां भी दी गई, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस अधिकारियों को दे दी है। वहीं ये सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी प्रदीप कुमार मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं, जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। दरखास्त इन्हां को ले ली है, ड्यूटी अफसर देती है, वेख के इन्हों की वेख के सारा वेख लिया, अपना जायजा ले लिया, ड्यूटी अफसर में जाके पूरा हदायत करते हैं, जिहड़ी बनती होगी कानूनी कार्रवाई। कारण की रहा जी? हाँ जी, ये हूँ तकरीबन उन्होंने जब पार्टी आऊगी उन्होंने देखा पुछा की गल कि गल तो मसला क्यों तोड़िया क्यों नुकसान किया। दुकानदार कहना जी मोबाइलों का कोई लैन देन से पैसे घट ही, तो मैं कही भी मैं पूरे दो, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਧਿਆਨ ਹੱਥ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕੁਲਬੀਰ ਟੈਲੀਕੋਮ ਚੁੰਗੀ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਆਈ ਸੀਗੀ ਪੈਸੇ ਪਵਾਉਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਆਈ, ਮੰਮੀ ਉਹਦੀ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇਗੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ।
ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇ 15 ਅਗਸਤ ਕੋ ਲੇਕਰ DCP ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਮੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਕੁਛ ਚੁਨਿੰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰੋਂ ਕੋ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ DCP ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਓਂ ਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਦਿਗਧ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਦਿਗਧ ਵਸਤੂ ਨਜ਼ਰ ਆਤੀ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੇ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਹੋਟਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਾਏ ਔਰ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਮੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰ ਸੇ ਆਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸਸੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲੀਏ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸਕਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਾ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਮਾਲਿਕੋ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਥੀ ਉਸ ਪਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਗਰਮੀ ਅਧਿਕ ਹੋਣੇ ਕੇ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਉਨਕੀ ਔਰ ਸੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕਰ ਦੀਏ ਗਏ ਥੇ ਔਰ ਅਬ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣੇ ਕੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮੋ ਕੋ ਰੇਨ ਕੋਟ ਦੀਏ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇ 15 ਅਗਸਤ ਕੋ ਲੇਕਰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਹਿਲੇ ਹੋਲਡਰ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲਏ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕੈਂਸਲ, ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੇ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲੂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰਿਹਰਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੁੱਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਨੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਚੱਲ ਪੈਣੀ। ਸਰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਂਗ ਰੋਡ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਰੁਕਦਾ ਜਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦਾ ID ਪਰੂਫ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂਰਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 15 ਜੁਲਾਈ ਕੋ PAP ਕੇ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੇ 15ਵੀਂ ਸਬ ਜੂਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਤਰ ਪਰ ਵੂਸ਼ੂ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਮੇ SGN ਖਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਲੰਧਰ ਛਾਵਨੀ ਕੇ 7 ਖਿਲਾੜੀਓ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਨ ਮੇ ਸੇ 5 ਖਿਲਾੜੀਓ ਨੇ ਸੋਨੇ ਕਾ ਪਦਕ, ਇੱਕ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਕਾਂਸੇ ਪਦਕ ਜੀਤ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਕਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਸਕੂਲ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਸਦਸਿਓ ਸਹਿਤ ਵਿਜੇਤਾ ਰਹੇ ਖਿਲਾੜੀਓ ਔਰ ਕੋਚ ਤਰੁਣ ਗੋਇਲ ਕੋ ਉਨਕੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਰ ਬਧਾਈ ਦੀ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿਨ ਰਾਜਪੂਤ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਹਮਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕਾ ਨਾਮ MGN ਖਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜੋ ਕੈਂਟ ਮੇ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਕੀ ਔਰ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਕੋਚ ਸਰ ਹੈ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਬੋਕਸਿੰਗ ਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਗੋਲਡਨ ਗੋਲਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਹਮੇ ਜਬ ਬੱਚੇ ਹਮਾਰੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਹਮਾਰਾ ਨਾ ਸਕੂਲ ਕਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਕੋਚਰ ਕਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਰੁਚੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਸੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਡਾਇਟ ਕਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤੇ ਹੈਂ। ਚਾਰ ਗੋਲਡ ਆਏ ਹੈ ਹਮਾਰੇ, ਦੋ ਸਿਲਵਰ ਔਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੋਂਜ਼ ਮੈਡਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੈ। ਬੱਚੋਂ ਕਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹਮਾਰੇ ਕੋਚਰ ਰੱਖਤੇ ਹੈ, ਇਨਕੀ ਡਾਇਟ ਕਾ, ਇਨਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕਾ ਵੀ, ਸਟੱਡੀ ਕਾ ਤੋ ਹਮਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਨਕੀ ਡਾਇਟ ਕਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਕੋਚਰ ਰੱਖਤੇ ਹੈ, ਇਨਕੀ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਤੀ ਹੈ
उनका पूरा ध्यान रखा गया। आज बहुत खुशी की बात है कि डायमंड बॉक्सिंग एकेडमी जो कि MGN खालसा स्कूल जलंधर कैंट में चल रही है 3 सालों से, डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो कि बूशो की PAP में हुई थी, जिसमें से स्कूल के 7 बच्चों ने भाग लिया था। 7 बच्चों में से 5 गोल्ड, 1 ब्राउन्स, 1 सिल्वर मेडल बच्चों ने स्कूल की तरफ से प्राप्त किया। बहुत अच्छी बात है और मैं थैंक्स करना चाहूँगा प्रिंसिपल वंदना शर्मा जी का, जिन्होंने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है पढ़ाई में भी और स्पोर्ट्स में भी। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा हमारे सर सरबजीत सिंह जी जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। और मैं आशा रखता हूँ इस स्कूल में से बॉक्सिंग के अलावा हम और भी कुछ गेमें यहाँ पर शुरू करवाना चाहेंगे अभी, जैसे कि एथलेटिक्स है या हॉकी है या बूशो की गेम में, जैसे अब बच्चे यहाँ के जीत के आए हैं तो हम बूशो भी यहाँ पे शुरू कराएंगे। और मेरा यही स्कूल के बच्चों से और कैंट निवासियों से और सारे देश के बच्चों से यही मेरा मैसेज है कि नशे को छोड़कर पढ़ाई और स्पोर्ट्स में ध्यान दें। DGP पंजाब के आदेशानुसार SSP अमृतसर देहात के निर्देशों पर DCP जसवंत कौर, DSP कुलदीप सिंह की अगुवाई में जिला सांझ केंद्र इंचार्ज मनजिंदर सिंह और जंडियाला गुरु सांझ केंद्र के इंचार्ज रंजीत सिंह की ओर से सरबत का भला एजुकेशन एवं वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन सुखराज सिंह सोहल और सपना मेहरा व सांझ केंद्र के सदस्यों के साथ मीटिंग की गई, जिसमें लोगों को कम पैसों में दी जाने वाली सुविधाओं संबंधी जागरूकता मुहिम के तहत बातचीत की गई। इस मौके पर DSP कुलदीप सिंह ने इस मीटिंग की शुरुआत की, जिसके पश्चात सांझ केंद्र के इंचार्ज रंजीत सिंह ने सांझ केंद्र की ओर से दी जाने वाली 47 प्रकार की दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर समाज सेवक सुखराज सिंह सोहल ने कहा कि इस मीटिंग में विशेष तौर पर विचार विमर्श किया गया है कि जो नौजवान नशे से पीड़ित हैं उनका उपचार अस्पताल में करवाया जाए ताकि वे अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इस मौके पर अश्विनी शर्मा, जसपाल शर्मा भी मौजूद रहे। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। अज असी इतने सांझ केंद्र जंडियाला विखे मीटिंग रखी सी, जिद में सारे मैंबर साहबान मेरे वालों साडा स्टाफ वालों मीटिंग की गई है, तो जो भी मसले से इतने आप सारे बैठ के डिस्कस किए हैं तो उन्हों का हल भी जल्दी असी कढ़न की कोशिश करांगे। तो ये सेवावान जिहड़ियां दित्तियां जांदियां सांझ केंद्र च इत्थे बहुत घट फीस से असी अपील करते हैं लोगों को आके इतने साढ़े तो सेवावान लैन तो समय सिर सेवावान सानू दिते जाए। असी साढ़े इतने कुछ इशू से जोड़े जिन्होंने आप सेफ करने वास्ते कोई रख्या है, जिमें कोई इतने गेट लगाना कोई रिपेयर करने वास्ते इतने कोई चीज़ हैगी है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੁਸਕਾਨ ਵੂਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। लगभग पिछले 12 दिनों से संगरूर के मुनक और खनोरी इलाके में घग्गर में आई बाढ़ के कारण भारी नुकसान हो रहा है, जहां पर अब लोगों को राहत मिलनी शुरू हुई है क्योंकि पानी का स्तर दिन ब दिन कम होता जा रहा है। वहीं पर किसानों के चेहरे मायूस दिखाई दे रहे हैं क्योंकि किसानों के खेतों में पानी सूख गया है और उनकी बच्चों जैसी पाली हुई फसल अब उन्हें बर्बाद हुई दिखने लगी है। अब किसान अपने खेतों में दोबारा से फसल बीज रहे हैं। हमारी टीम ने किसानों से बातचीत की तो उनकी आंखें नम थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने खेतों में धान की फसल बीजी हुई थी और बिजाई के बाद कई दवाइयां और यूरिया भी उन्होंने धान की फसल में डाला था। पूरा खर्चा करने के बाद बाढ़ आ गई और उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई और अब पानी सूख जाने के बाद दोबारा उन्हें सारा खर्च कर धान की फसल बीजनी पड़ रही है। वहीं उन्होंने सरकार से उन्हें उचित मुआवजा देने की भी गुहार लगाई है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। जी तो पानी आया जी, पानी दे नाल होया जी। ते हालात ये हौली हौली उतरदा उतरदा हुण देला होया माड़ा जिहा। किन्ने फुट पानी सी तुहाडी जमीन च? साढ़े तीवरी जी, लख लख। ठीक है। हालात सारे डूबी पी। ठीक है। टाइम हो गया झोना लाए? झोना हो गया तीन महीना, महीने के उपर हो गया। तन तन थैले रही पाते ਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਵੀ ਪਾਤੀ ਕੱਖ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਬਸ। ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ?
ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਦੁਬਾਰੇ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਰਹੇ ਲਾ ਪਨੀਰੀ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਨੀਰੀ ਲੈ ਕੇ? ਪਨੀਰੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਮੁੱਲ ਲੈ ਰਹੇ 1800 ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਲੈ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਸ ਫਸਲ ਡੁੱਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਊਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कार्यालय के समक्ष 4 सोसाइटियों ने मिलकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सूर्य एनक्लेव एक्सटेंशन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से एमएल सहगल, विवेक खन्ना, जितेंद्र मोहन शर्मा, इंदिरा पुरम मास्टर गुरबंता सिंह, एनक्लेव की ओर से रमन कुमार, केएल अरोड़ा, हरे कृष्ण, डॉक्टर बीआर अंबेडकर सोसाइटी की ओर से विजय कुमार, सोनिया शर्मा, गुरु गोविंद सिंह एवेन्यू की ओर से राजन गुप्ता, बीबी भानी कॉम्प्लेक्स की ओर से दर्शन सिंह आहूजा, विवेक बांसल सहित सभी अलॉटी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि माननीय अदालत के आदेशानुसार जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अधिकारी माननीय अदालत के आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं, जिस कारण उनकी ओर से यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों को माना नहीं जाता, तब तक वे इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इस दौरान एक मांग पत्र पीसीएस अधिकारी गुरसिमरनजीत कौर को भी सौंपा गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतेंद्र की रिपोर्ट। मनोहर लाल सहगल, SDO रिटायर्ड फ्रॉम भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड तलवाड़ा तो, अज असी जलंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट में 4 एसोसीएशन, सूर्य अंकलेव एक्सटेंशन वेलफेयर सोसायटी, सूर्य अंकलेव, गुरु गोबिंद सिंह एवन्यू, महाराजा रणजीत सिंह एवन्यू और मतलब कि बीबी भानी कंपलैक्स, इंदिरापुरम कंपलैक्स, हरे कृष्णा फ्लैट्स वाले अज धरना लगाया से जलंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के सामने जी। साडिया मंगा ने जी कि असी अपने जीवन भर दी कमाइया इंप्रूवमेंट ट्रस्ट में जो स्कीम सूर्य अंकलेव एक्सटेंशन 2011 में लॉन्च हुई सी, उदों इन्होंने साढ़े को धोखेधड़ी पैसा बटोर लिया। अज तक 12 साल बाद रूढ़ी सुनी जाती है, लेकिन अज तक उत्थे कोई विकास नहीं होया, ना ही 45 फुट रोड तो कब्जे हटे ने, ना ही 26 फुट रोड तो कब्जे हटे ने। जदों को डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट जलंधर में असी कोर्ट केस किया तो मानयोग ऑनरेबल जजिज डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट जलंधर ने साढ़े हक च फैसला करता रिफंड वास्ते, पर जलंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को 45 दिन का टाइम देता डिवेलपमेंट करने वास्ते और पोजैशन देने वास्ते। जलंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बुरी तरह फेल हो गया, उन्हें सानू प्लाटा के कब्जे नहीं दिते। आखिर ध्यान के असं अज डिमांड करने सारी एसोसीएशन वालों, ML सहगल सानू साढ़े पैसे रिफंड किए जान विद व्याज विद पेनल्टी। अमृतसर के उदासीन आश्रम अखाड़ा निर्वासन में सावन माह के उपलक्ष्य में श्री शिवपुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर उदासीन आश्रम अखाड़ा निर्वासन के महंत सुखदेवानंद ने बताया कि श्री शिवपुराण कथा का गुणगान पंडित महेश नंद शास्त्री द्वारा 4:30 से 7 बजे तक किया जाएगा। इसलिए उन्होंने सभी शिव भक्तों से मंदिर में पहुंचकर इस कथा में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज उदासीन आश्रम अखाड़ा निर्वाण सर में श्रावण मास के अधिक मास के उपलक्ष्य में श्री शिव महापुराण की कथा आरंभ हो रही है, जिसमें सबसे पहले हमारे आश्रम में बंसल परिवार की तरफ से पूजा की गई है, कोयल परिवार की तरफ से पूजा की गई है और हमारे पंडित श्री महेश चंद शास्त्री जी इस कथा का गुणगान करेंगे 4 से 7 बजे। जालंधर के मोहल्ला पृथ्वी नगर में स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब में नौजवान सभा की ओर से हर माह की तरह इस माह भी विशाल लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। इस मौके पर मुख्तियार सिंह, दीपक चौरसिया, रणवीर सिंह, कुलदीप सिंह, सुखचरण सिंह, हरदीप सिंह, मनजिंदर सिंह, मखज सिंह, युवराज सिंह भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। इच्छाधारी मंदिर अड्डा रायपुर बलना पठानकोट रोड में बाबा बर्फानी के दर्शनों को जाने वाले भक्तों की सेवा एवं विश्राम हेतु श्री अमरनाथ यात्रा भंडारे के 28वें दिन भी लंगर जारी रहा।
इसके बाद यात्रा में जाने वाले शिव भक्तों ने पिछले कई दिनों से चल रहे अनेक प्रकार के लंगर को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। इस दौरान लंगर के आयोजकों राजेंद्र शर्मा, भगवान दास, नरेश शर्मा काली ने बताया कि भंडारे में आने वाले शिव भक्तों को रोजाना सुबह, दोपहर और रात्रि को अनेक प्रकार के व्यंजन प्रसाद के रूप में वितरित किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि शिव भक्तों के विश्राम तथा रहने के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस मौके पर राजेंद्र शर्मा, भगवान दास, अजय मल्होत्रा, नरेश शर्मा, अशोक शर्मा, विजय महाजन, रमेश प्रभाकर सहित बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। बड़ी खुशी का दिन है साडे विच, दिल्ली तो गुरु महाराज जी आए आ, साडे भंडारे दे विच आए आ, इन्हां चरण पाए आ, साडे भंडारे नूं चार चांद लग गए आ। साडा 13वां वार्षिक भंडारा हर साल की तरह जिहड़ा असी सिद्ध बाबा इच्छाधारी दे स्थान ते पिंड रायपुर सूल विच लाईदा है, अज 3वें दिन विच प्रवेश कर गया है। बंतां बड़ी श्रद्धा दे नाल लंगर खा रही ने, लंगर खा के दर्शनों नू जा रही ने। असी ये भोले बाबा अगे अरदास करते हैं, जिदा संगत दर्शन करके वापस अपने घर सुरक्षित जान, अपने बच्चों के लिए जान, भोले शंकर उन्होंने मेहर भरिया हाथ रखे। अज गुरु जी साढ़े आए हैं, सानू बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है। असं गुरु जी का बड़ा धन्यवाद करते हैं, क्यों गुरुआ के दर्शन बड़े कर्मा नाल मिलते हैं। अज गुरु जी आए हैं, इन्हें चरण पाए हैं, साडा भंडारा पवित्र हो गया। बाकी सब तो ज़्यादा देखो अखबार वाले आते ने, साडे वड्डे भाई साहब शीतल वेद जी जिहड़े देवीतला मंदिर के प्रधान भी ने, दैनिक सवेरा के संपादक भी ने, अपने रिपोर्टर साढ़े को भेज के रोज़ देशों विदेशों में खबर पहुँचाते हैं। जिन्होंने नहीं यात्रियों को पता भंडारे का, वह भी आके लंगर छक के जाते हैं। मैं आप सभी भक्तों का सादर दिल से सादर सम्मान करता हूँ। जो भी ये बाबा का भंडारा हो रहा है, गुरु महाराज के आशीर्वाद से हो रहा है, गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से, शिव के आशीर्वाद से हो रहा है और आप सबके सहयोग से हो रहा है। मैं चाहता हूँ ये भंडारा और आगे और विशाल तरीके से होता रहे और सभी संगत आगे भोजन करे और सब बाबा के चरणों को आशीर्वाद प्रदान करे। जालंधर के मॉडल टाउन स्थित हरीश सचदेवा के परिवार की ओर से 24 जुलाई से 30 जुलाई तक साय 7 बजे से 10 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके पहले दिन कथा व्यास महावीर शर्मा ने कथा कर उपस्थित भक्तों को निहाल किया। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जितेंद्र की रिपोर्ट। तो आप और हमारा भी कभी चलो हम कथा सुने ले, कथा बगर आपको अच्छी लग रही है, आप दूसरों को प्रेरित किए आए, समय का यूटिलाइजेशन करें साहब, बहुत जीवन बिता दिया हमने ऐसे ही साहब, थोड़ा सा एक नवीनता नवीन रस के साथ उस भागवत के अमृत सिंधु में हम डुबकी लगाए, भागवत के ज्ञान सिंधु में हम डुबकी लगाए, हम श्रवण करें कथा को, श्रावण के अंदर हम श्रवण करें साहब। और श्रावण के इन पवित्र दिनों में अच्छा अच्छा भरिएगा अपने अंदर साहब, और जब अच्छा अच्छा भरोगे, अमृत भरोगे, तो भीतर का जो विष है वो अपने आप निकलना प्रारंभ हो जाएगा साहब। ये भीतर का विष क्या है साहब? किसी के प्रति राग द्वेष है, किसी के प्रति कोई और दुर्विचार है, दुर्गुण है साहब, वो सब जो अमृत गया। एंटीबायोटिक का काम क्या होता है सर? अंदर कहीं कोई इन्फेक्शन हो तो वह एंटीबायोटिक लेते हैं सर, और एंटीबायोटिक लेने से इन्फेक्शन दूर हो जाता है। तो ये नाम जो है साहब, जब अंदर के अंदर जाएगा तो जो अंदर के जितने इन्फेक्शन हैं सर, बहुत हैं सर। आज के वर्तमान समय में भाई भाई से नहीं बोलता साहब, बाप बेटे से नहीं बोलता, सास बहू से नहीं बोलती, बहू सास से नहीं बोलती साहब। अनेक प्रकार के आप देखेंगे साहब, कितनी तरह की विडंबनाएं हैं साहब, भाई बहन से बात नहीं कर रहा है साहब, आपसी सामंजस्य से बिगड़ा हुआ है, ठीक से कनेक्टेड नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हरे मुरारे।
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर के थाना रामा मंडी की पुलिस ने दो नशा तस्करों को किया काबू। 150 ग्राम हेरोइन और 1050 नशीली गोलियों और दो अवैध पिस्तौल की बरामद। संगरूर के लहरा गग्गा की खाई रोड पर एक पेट्रोल पंप पर दो नकाबपोश लुटेरों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। कुल्हाड़ी से हमला कर 12,000 की नकदी लूट हुए फरार। जालंधर के रामनगर फाटक के नजदीक बाइक सवार दो लुटेरों ने महिला की चेन जब्ती। लोगों ने पकड़कर जमकर की धुनाई। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।